Hello friends, this is math guru Pawan Vak. Our today's topic is linear equations in two variables part 6. Today we will learn the condition of the consistency of equations. Consider the following equations, that is a1x plus b1y is equals to c1, that is equation 1, and a2x plus b2y is equals to c2, that is equation 2. Here a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are the constant, and x and y, they are the variables here. With the Kramer rule, we have find the value of x, and the value of x is equals to dx upon d. In the form of determinant, we write c1, c2, b1, b2 upon a1, a2, b1, b2. And if we cross multiply, or if we write the value of this determinant, it will be c1, b2 minus c2, b1 and a1, b2 minus a2, b1. Similarly, we have the value of y, that is dy upon d. And in the form of determinant, we can write like this. And if we put the value of determinant here, we get a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. And here, case 1 is that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. You must be remembering ki jab humne ise solve kiya tha, before solving, jab humne suppose ki thi equations, Kramer rule mein, to humne ye condition wahan par likhi thi. We have written this condition because it is required. If ये इसको फॉलो नहीं करेगा तो यहां क्रेमर रूल से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. और अगर ये कंडीशन आती है वेयर a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, means what? आप इस a2 b1 को इस साइड शिफ्ट कीजिए, यू गेट a1 b2 is equals to a2 b1. नाउ व्हाट यू डू, ये a2 को आप a1 के अपॉन में लाइए और b2 को आप b1 के अपॉन में लाइए. सो ये कंडीशन बनती है, दैट इज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. एंड इन दिस कंडीशन, फॉर सच कंडीशन, द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलता है, इस कंडीशन में आपको यूनिक और वन सॉल्यूशन मिलता है. ओके नाउ अब एक अगली केस बनता है. केस 1 में तो ये 0 के इक्वल नहीं है. अब केस 2 बनता है कि देयर ये 0 के इक्वल आ गया, अगर दैट इज a1 b2 minus a2 b1 is equals to 0, तो क्या होगा? नाउ व्हाट वी विल डू, इसको आपको शिफ्ट कर कीजिए आप इधर एज इट इज, जैसे आपने पीछे किया, दैट इज a1 b2 is equals to a2 b1. इस a2 को आप a के अपॉन में लाइए और इस b2 को आप b1 के अपॉन में लाइए. इस a2 को आपको a1 के अपॉन में लाना है और इस b2 को आपको b1 के अपॉन में लाना है. तो यहां पर हमें दिखता है कि a1 upon a2 is equals to c1 upon b1 upon b2 है. तो ये तो इक्वल आ गया. फॉर दिस कंडीशन अब हम सपोज कर ले कि इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to k, एक कांस्टेंट वैल्यू है k, अगर इसके इक्वल है तो होगा क्या? आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, दैट इज आप a2 के इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो a2k, और b1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज b2k. ये होगा कैसे? जैसे आपको a1 upon a2 को k के इक्वल लिखना है और b1 upon b2 को k के इक्वल लिखना है, एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस a2 हियर and you multiply this b2 here. तो a1 और a2, a1 और b1 की हमें वैल्यू मिली है. अब हमें करना क्या है? We were having equation 1, वो थी a1x plus b1y is equals to c1, तो हम उसे लिख लें. और a1 और b1 की वैल्यू, हम ये वैल्यूज यहां पर हमें पुट करना है, तो हमें मिलेगा, देखिए a1 की जगह k a2, x as it is plus as it is, b1 की जगह k b2, y as it is, c1 as it is. अभी दोनों टर्म में k है, तो हम एक काम करते हैं, k कॉमन निकालते हैं. तो हमें मिलता है a2x plus b2y is equals to, ये k आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में है a2x plus b2y is equals to c1. और अगर आपको पता है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन हमने सपोज की थी, दैट इज a1x सॉरी a2x plus b2y is equals to c2, तो ये वैल्यू है c2 की, तो हम इसे यहां लिख सकते हैं कि k c2 is equals to c1. मतलब हुआ क्या, ये आ गया c1 upon c2 is equals to k. अब इस कंडीशन में भी दो यहां पर आगे केस बनते हैं, अलग-अलग केसेस बनते हैं, अलग-अलग दो कंडीशन बनती है कि c1 upon c2 या तो k के इक्वल आ जाएगा या c1 upon c2 k के इक्वल नहीं आएगा. अगर c1 upon c2, ये पहले केस के हिसाब से k के इक्वल आता है, मतलब c1 की वैल्यू हो जाएगी k c2, या अगर ये k, हम कहें इसे k के इक्वल आता है, तो ये भी k के इक्वल है, तो होगा क्या, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 हो जाएगा. और अगर ये केस आता है, तो वहां होगा a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो हम अब इन दो कंडीशंस को लेके आगे बढ़े कि सपोज फर्स्ट केस होता है, इफ c1 is equals to k c2, तो होगा क्या, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये वैल्यू k के इक्वल हो जाएगी, दैट इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 is equals to k. एंड फॉर सच कंडीशन, फॉर देन द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जब तीनों का रेशो इक्वल आ जाए. ओके अब
अगली कंडीशन दैट इज सी वन इज नॉट इक्वल टू के सी टू. तो यहां पर हमने जो इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू लिखा है हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. ओके, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. एंड देन इन दिस कंडीशन देर इज नो सोल्यूशन. तो हमारे पास तीन वैल्यूज बनती है, तीन हमने सिस्टम देखे हैं, तीन हमने कंडीशन देखी हैं. दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो यूनिक और वन सॉल्यूशन होगा. अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा. और अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो तो वहाँ नो सॉल्यूशन होगा. ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आपको टेबल मैंने तैयार किया आपको समझने के लिए. कंपेरिजन ऑफ रेशो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और वो सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. सबसे पहले हम कंपेरिजन ऑफ रेशियो लिख लें. हमें तीन कंडीशंस मिली है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है. यहाँ पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये होगा कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा, वहाँ हमको अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये होगा कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, और इस केस में जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा. अगर वो इक्वल नहीं आता है, मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू है, तो इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस होती है और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में पैरेलल लाइंस मिलती है. अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगी, और इस कंडीशन में अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, और ये सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा. यहाँ पर अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा, वो लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी, एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा. तो इस ग्राफ को आपको, इस चार्ट को आपको नोट कर लेना है, और जहाँ आप स्टडी करते हो उस टेबल पे आपको फिक्स कर लो. आप आते जाते जब इसे देखोगे तो आपको ये सिस्टम बहुत इजीली लर्न रहेगा, और आपको सॉल्व करने में आपको इक्वेशन देखते से ही आप बता पाओगे कि वेदर द सिस्टम इज़ हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस. हमें एक्स की वैल्यू क्रेमर रूल से ही मिली है. अभी हमारे पास डी है, और डी की जो वैल्यू है आपने देखा होगा कि जो कंडीशंस तैयार हुई है वो डी की वैल्यू के ऊपर तैयार हुई है, और डी की वैल्यू क्या है, वो है ए वन ए टू एंड बी वन बी टू. तो डी की दो वैल्यू हमें मिली. पहला कंडीशन था कि डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आए, और डी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आए. जीरो के इक्वल नहीं आए उस कंडीशन में हमें पता था कि यूनिक और नो सॉल्यूशन है. ओके, ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया. ओके, नाउ अगर जीरो के इक्वल आता है तो वहाँ फिर से हमें डी एक्स की वैल्यू मिलती है, और डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, उसके दो कंडीशन बनते हैं, दैट इज सी वन सी टू बी वन बी टू के. यहाँ होगा डी एक्स या तो जीरो के इक्वल आ जाए. ओके, अगर डी जीरो के इक्वल आता है तो हमें डी एक्स को फॉलो करना है, और डी एक्स की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आती है और नॉट जीरो के इक्वल आती है, दो कंडीशन हमें मिलती है. अगर जीरो के इक्वल आती है तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और उस कंडीशन में सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सिस्टम उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन होते हैं. अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आए तो यहाँ सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है. ओके, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ वॉच अवर नेक्स्ट वीडियोज टू नो मोर अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. थैंक यू वेरी मच.